दोस्तों ये वही नीम है जो पहले हमने आपको एक साल पहले दिखाया था। देखो एकदम हरी भरी हो गई है नीम, ये पूरी ठीक है जी। और इसी का हमने थाला जो है सीमेंट का तोड़ा था, जो आरसीसी था, ये देखो एकदम 50% ये जो है मर गई थी। और ये देखो यहाँ से इसका छिलका जो है ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ था, यहाँ से ऐसे पूरा भरा हुआ था यहाँ तक। तो कहने का मतलब है कि एक साल पहले हमने इसको तोड़ा था ये दीवार, ठीक है। नीचे हमने गुड़ाई भी कर दिया था, मलवा निकाला था, हमारे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। और ये छिलका जो है सड़ गया था। अब जाके एक साल बाद अब थोड़ा सा इसमें जो है सुधार हुआ है। ये छिलका यहाँ से फटा था, यहाँ से, ठीक है ये। और ये यहाँ से जो है ये पूरा धीरे धीरे करके भर ले रहा है। एक साल लमसम हो गया है। तो और दूसरी बात और ध्यान देना है कि इसका जो है नाली का पानी ये हमने बंद कर दिया था, बंद करवा दिया था इधर से। ये जो है अब इधर से जो है पानी नहीं आता। ये सब चीज़ें जो है देखनी होती है, हमारी नाली है ठीक है जी। ये नाली में पानी बिल्कुल नहीं है, सूखा पड़ा है। और इसका हमने अभी ये छोटा था पेड़, तो इसका हमने नहीं तोड़ा था ठीक है जी। ये हमारा कम से कम 3 साल का पौधा हो गया। लेकिन इसका भी जो है हमने मिट्टी निकाल लिया था, देखो यही वाली हाल बहुत किसी ने ये देखो। तो अगर यहाँ तक मिट्टी हम नहीं निकालते तो ये भी ऐसे मर जाता ठीक है जी, ये मर जाता। क्योंकि इसमें जो है छिलका जो है इसके साथ रहेगा मिट्टी में। और इसकी गहराई कम से कम दोस्तों ये यहाँ से 2 फुट है ठीक है। तो 2 फुट में मैंने लमसम 2.25 फुट मिट्टी निकाल दिया है वहाँ जहाँ तक है। ये भी सूख गई थी 50%, तो बड़ी मुश्किल से इसको हमने हरा किया है। और ये देखो ये पेड़ ये हमने बांध रखा था, टेढ़ा हो गया था। तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें जो है नाली से कम नहीं तो 5-6 फुट या 10 फुट से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो है इतनी जगह नहीं थी, आगे सड़क है ठीक है, सड़क पे तो पौधा लगा नहीं सकते। तो इसलिए जो है हमने नाली का पानी ही बंद कर दिया। एक साल हो गया दोस्तों बंद करवा दिया था, उसी टाइम सफाई करवा के तो जो है ऐसे ये नींव हमारी सुधर गई है ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, ज़्यादा सर्दियों में पानी लगाने का नहीं है। देखो यहाँ से ये अब ये पूरी ताकत ले रहा है, ये देखो पूरी नए छिलके आ गए हैं ठीक है जी। एक ये जड़ सड़ गई थी तो हमने इसमें फंगस की दवाई डाली थी, ये जड़ है देखो अभी जड़ भी कितनी मजबूत बन गई है ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप लोग इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी ज़रूरी इसमें कि पानी कम से कम इससे 8-10 फुट दूर हो। हमारा तो लमसम 4 ही फुट का गैप है, ये नाली है ये और ये पेड़ है। तो ऐसे जो है छिलका जो है हमने इसमें से निकाल दिया था, अब अपने आप ये भर लेगा ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार।